चलती, टक टक टुक टुक छड़ी है चलती, अक्कड़ बक्कड़ तीन तड़क्कड़, लौआ लाठी बन की काठी, घड़ी बाबू की घड़ी है चलती, टक टक टुक टुक छड़ी है चलती। विज्ञान कटोरा लिए हाथ में, कभी न भरता वो साथ में, विज्ञान कटोरा लिए हाथ में, कभी न भरता वो साथ में, समझ नहीं आता है जब कुछ काल फुलाते, पुक 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 पुक, अक्कड़ बक्कड़ तीन तड़क्कड़, लौआ लाठी बन की काठी, घड़ी बाबू की घड़ी है चलती, टक टक टुक टुक छड़ी है चलती। तो सपने नहीं आते, ये क्या देख रहे हैं? सपना अभी हटा नहीं, न जाने क्या बके चली जा रही है। सपना कैसा सपना? सपना नहीं था तो आप दोनों हाथ फैलाए क्या नाच रहे थे? हैं? क्या 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 मैं नाच रहा था? अरे तुम लोग भी तो ऐसा कर रही थी। अच्छा तो आप हमारी नकल कर रहे थे? क्यों गड़ी बाबू? तो आप लोग किसकी नकल कर रहे थे? अरे नकल, हम लोग तो सुबह सुबह पक्षियों के समान हवा में उड़ने का अभ्यास कर रहे थे। फंसा दिया ना फिर चक्कर में। गड़ी बाबू, गड़ी बाबू, वो देखिए। अरे दिखाया भी तो क्या एक गिद्ध। हाँ वो पक्षी है लेकिन गंदा है। प्रकृति की कोई भी देन गंदी नहीं है। गड़ी बाबू हमें गिद्ध के बारे में नहीं बताएंगे? अरे वो तो एक बड़ा सा गंदा पक्षी है, इसके बाद मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। तुम बिपिन दास से जाके पूछो, वो सब बता देंगे। बता नहीं सकते या आता नहीं? नहीं आता है। अब मेरा पीछा छोड़ो तुम लोग, जाओ जाओ जाते जाते। जाते हैं पंछी गद्दा। इसीलिए कहा था मत ले चलो ऐसी जगह, देखो कैसी गंदगी में बास है इनका। विपिन दा, क्या घड़ी बाबू ठीक कह रहे हैं? घड़ी बाबू का कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनका निवास उजाड़ जगहों पर या फिर गंदगी में ही होता है, परंतु इसके फायदे बहुत हैं। अच्छा आप में से कोई बता सकता है कि इनके कौन कौन से फायदे हैं? अरे इससे क्या फायदा है, चलो विपिन, यहाँ तो खड़ा होना नहीं चाहता हूँ मैं, कितनी बास आ रही है। आप ठीक कह रहे हैं घड़ी बाबू, बात दरअसल ये है कि शहरों की गाँव की सारी गंदगी, यहाँ तक कि मरे हुए जानवर भी यहीं डाले जाते हैं, इसीलिए इतनी बास है। अच्छा घड़ी बाबू आप जरा सोच के बताएं कि अगर ये गंदगी ये कूड़ा करकट इसी तरह यहाँ पड़ा रहा तो क्या होगा? देखा देखा घड़ी बाबू, घड़ी बाबू आपने आप तो सोचने में ही घबरा गए। यदि ये खत्म हो जाए तो? तब तो संसार नरक बन जाएगा। घड़ी बाबू हमारी प्रकृति ने कुछ ऐसे
पशु पक्षियों को जन्म दिया है जो कि कूड़ा करकट, गंदगी और मरे हुए जानवर खाते हैं, ताकि वातावरण हमारा शुद्ध रह सके और हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। अच्छा बच्चों बताओ, ऐसे कौन कौन से पशु पक्षी हैं? कौआ। इसमें हंसने की क्या बात होगी, गणेश बाबू ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। अच्छा अब आप लोग बताइए। गीदड़, सुअर, गिद्ध। अब समझे गणेश बाबू, गिद्ध वो विशाल पक्षी है जिसे प्रकृति ने वातावरण और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जन्म दिया है और ये एक झुंड बनाकर अपना जीवन यापन करता है। विशाल होने के बावजूद किसी पर वार नहीं करता, इतना नर्म है ये। समझ में आया घड़ी बाबू? अच्छा बच्चों चलो अब हम लोग कहीं आराम से बैठकर बात करते हैं। हाँ। चलें? चलिए। अच्छा देखो अब मैं आप लोगों को एक चित्र दिखाता हूँ। ये देखो, ये तो गिद्ध है। अरे वो देखो उड़ा। गोविंदा, ये इतना ऊंचा कैसे उड़ता है? ऊंचा तो उड़ता है लेकिन उसका शरीर बहुत बड़ा है, ये कैसा चमत्कार है। गणेश बाबू ये चित्र देखिए, इसकी लंबाई 4 फुट होती है पैर से और सर तक, और इसके परों की फैलान 9 फिट होती है, के दोनों परों की फैलान लगभग 9 फिट होती है। इतना बड़ा। ये विश्व की सबसे बड़ी चिड़िया है जो कि आकाश में सबसे ऊंची उड़ती है। वो तो ठीक है, पर इसका कारण क्या है? विपिन, गिद्ध जब उड़ता है तो तैरता सा हुआ लगता है, वो और पंछियों के तने से अपने पंख क्यों नहीं फड़फड़ाता? पहले इस चित्र को गौर से देखो, इसमें इनके पर किनारे से चिप्स की तरह कटे हुए हैं। हाँ विपिंदा, इसका हर पर नीचे से चिप्स की तरह कटा हुआ है। हाँ विपिंदा, बीच में बोल पड़ती हो। और यही कटे हुए पंख इसे आकाश में तैरने में मदद करते हैं। आकाश में तैरना? कैसी बातें करते हो विपिन। वो देखो गिद्ध की उड़ान। विपिंदा, इसने उड़ते वक्त तो पंख फड़फड़ाए, पर जब ऊंचा उठा तो पंखों के सहारे तैरता सा लगा, इसने पंख फड़फड़ाने बंद कर दिए। वो देखो, उड़ने से पहले वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है, फिर जब वो आकाश में उड़ जाता है तो अपने पंखों को फैला देता है, जिससे कि हवा काटते काटते वो आसानी से उड़ता रहता है। अच्छा, तभी क्या घड़ी बाबू भी? भाई वाह, गिद्ध घंटों बिना थके आकाश में उड़ता रहता है। क्योंकि गिद्ध को बार बार पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उसकी सपूर्ति का नाश नहीं हो पाता, और यह विशाल पक्षी आराम से आकाश में उड़ता रहता है। वाह, तुम्हें भी स्कूल के मास्टर नहीं होना चाहिए था। इतना बड़ा ज्ञान, जो बिटिया जो। अच्छा अब आप लोग मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणेश बाबू आप तैयार हैं? तुम तैयार हो शौर? आप लोग ये बताइए कि गिद्ध के सर पर और पैर पर बाल क्यों नहीं होते? विपिन, गिद्ध रोज नहाता है, अगर उसके सर और गर्दन में बाल होते तो वो कैसे सफा कर सकता था? आपने बिल्कुल ठीक कहा गणेश बाबू, गिद्ध खाद्य पदार्थ के अंदर अपने गर्दन और पैर दोनों डाल देता है और इस प्रकार वो अपना भोजन करता है। अगर उसके सर और पैर में बाल होते तो वो पानी से खाद्य पदार्थ की अपने बालों में लगी गंदगी साफ ना कर सकता है कि नहीं? लेकिन बाल ना होने के कारण वो इस गंदगी को पानी में सर और पैर डूबे के आसानी से साफ कर लेता है। यही तो मैं भी कह रहा था। मास्टर तो अब आपको हो जाना चाहिए घड़ी बाबू। हाँ, ताकि तुम और मुझे परेशान करो, है ना?
मान गए तुम्हें विपिन बाबू, तुम भी गिद्ध की नजर रखते हो, इतना बारीक अध्ययन। बोल दिए, क्या आप गिद्ध की नजर के माने जानते हैं? गिद्ध की नजर बहुत तेज होती है शौर्य, वो आकाश में एक निष्ठ होकर तब तक मंडराता रहता है जब तक कि वो भोजन की तलाश न कर ले। इसका मतलब पक्की लगन और पक्का इरादा। अब आया समझ में घड़ी बाबू? एक बात और, गिद्ध अकारण कभी किसी पे वार नहीं करता। भाई वाह, मैं तो खामखा इससे घृणा करता था और मुझे पसंद ही नहीं था। देखा कितना अच्छा साथी है हमारा। हमारा गिद्ध। अब आई बात समझ में कड़ी बाबू? अब आप समझ में आ गया? समझ गए, सब समझ गया। अच्छा भाई, तो अब मैं चलता हूँ अपने घर। और आप लोग अपने अपने घर जाइए। दूर दृष्ट पक्का इरादा रखो तुम, गिद्ध जैसा वातावरण को साफ कर ठीक करो तुम, गिद्ध जैसा हमको कुछ करना है, हमको कुछ करना है। जीवन में कुछ करना है, तुम इसके सहायक बनो। गिद्ध से ना तुम घृणा करो, तुम इसकी रक्षा करो। हमें